हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना सिंह। मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूरन की सब्जी। खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा क्या है ना कि देसी सूरन अगर होता है तो उसको काटने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरा 300 ग्राम सूरन एथ्रामेली थी और इसको मैं हाथ में तेल लगा करके और पौंसुल से काटी, क्योंकि जो नाइफ से काटने में ना बहुत हार्ड होता है, ये कटता नहीं है जल्दी। तो इसको मैं पहले से ही काट ली थी। और क्या है कि जब भी फ्रेंड्स आप इसको काटे ना, तो थोड़ा साइज का ही पीसेस हो, क्योंकि जो है इसको पकने में बहुत आसानी से पक जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या क्या सामग्रियां लगती है। तो फ्रेंड्स, मसाला बनाने के लिए मैं थोड़ा ली हूँ, देखिए 10 कम से कम लहसुन की कलियां हैं और थोड़ा सा अदरक का जो कटा हुआ टुकड़ा है, और 3 हरी मिर्च है और ए राई है ब्लैक वाली। तो मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी मिक्सर में। और इसके बाद फ्रेंड्स, तड़के के लिए मैं देखिए तेज पत्ता है और ये मेथी का दाना है और ये हींग ली हूँ, 1 पिंच डालूंगी उसमें। और मसाले में फ्रेंड्स देखिए, मैं 2 टमाटर ली हूँ, इसको ग्राइंड कर लूंगी मिक्सर में। और ये है प्याज है जो मैं तड़के में डालूंगी, और थोड़ा ये खटाई है, जिससे कि अगर जो सूरन मेरा है ना वो खाने पर काटता है घर को ना, तो वो खाने में बहुत मतलब उसका जो है जो काटेगा ना तो उसका वो खत्म हो जाएगा, नहीं काटेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और फ्रेंड्स, मैं देखिए 1/2 टेबल स्पून नहीं 1 स्पून होगा, छोटे स्पून से मैं गरम मसाला ली हूँ। और ये लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स, और ये देखिए मैं घर में ही मसाले को तैयार की थी, 1 टेबल स्पून इसको ले ली हूँ। और लास्ट में मैं डालूंगी ये देखिए नींबू है, इसके रस को मैं इसमें ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम फटाफट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले इसको फ्राई करूंगी अपने सूरन को, तो इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करूंगी, क्योंकि मैं जब भी डीप फ्राई करते हैं तो उसको हाई फ्लेम पर ही करते हैं, तो मैं इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा कितने अच्छे से जो मैं फ्राई इसको कर रही हूँ, और धीरे धीरे फ्राई होने तक चल चुका है, मतलब हो ही चुका है, अब थोड़ा बहुत बाकी है, तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको अब निकालने जा रही हूँ इसमें से फ्राई करके। तो फ्रेंड्स, मैं सारे पीसेस को निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं सारे पीसेस को निकाल ली हूँ, अब सब्जी बनाने की तरफ चलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं 4 चम्मच जो है ऑयल ऐड की हूँ। अब मैं तड़के के लिए डाल रही हूँ मेथी दाना और तेज पत्ता। और फ्रेंड्स, मैं इसी में ऐड कर दूंगी 1 पिंच हींग, और फ्रेंड्स मैं इसी में ऐड कर दूंगी प्याज। मैं 2 प्याज ली थी फ्रेंड्स, इसको पीसेस में काट ली हूँ और इसको फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक को पहले ही प्याज में ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इस नमक की वजह से प्याज जो है मेरा अच्छा से गल जाता है। तो इसमें मैं नमक को डाल रही हूँ और इसको चलाऊंगी। फ्रेंड्स, इसकी सब्जी तो इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है बनाकर। मेरे तरीके से आप खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा प्याज जो है ब्राउन कलर हो चुका है। अब मैं जो बनाई थी सरसों अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट,
उसको मैं इसमें ऐड करूंगी। हमको अच्छे से इसको फ्रेंड्स फ्राई करना है इसको। देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स इसी में मैं हल्दी पाउडर को ऐड कर दूंगी। फिर इसको फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स इसको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, हाई पर मत कीजिएगा क्योंकि जल जाएगा और अच्छे से फ्राई भी नहीं हो पाएगा। तो हमेशा इसको लो मीडियम पर फ्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए रिलीज हो रहा है, जो ऑयल है साइड से रिलीज हो रहा है अच्छे से। तो मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर की प्यूरी को। और इसको फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स मैं इसमें घर के बनाए हुए 1 टेबल स्पून मसाला है उसको ऐड कर दे रही हूँ। और फ्रेंड्स इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला इसको ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए लाल मिर्च पाउडर है ना, इसको ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको भी इसमें फ्राई कर देना है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना बेहतरीन लगेगा। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए मेरा साइड से ऑयल रिलीज हो रहा है और मसाला मेरा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड करूंगी अमचूर पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून है, मैं इसको डाल रही हूँ क्योंकि मेरी सब्जी भी बहुत कम थी। तो फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है। और फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करूंगी अपने सूरन को और इसको चलाऊंगी अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए फ्रेंड्स देखने में कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लग रहा है। इसकी सब्जी आप चावल से, रोटी से, किसी से भी सर्व कीजिए, बहुत अच्छा खाने में लगता है फ्रेंड्स। पूड़ी पराठा कुछ भी हो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स मैं इसमें पानी को ऐड करूंगी। मैं जैसा आपको जिस क्वांटिटी उसमें या रस्सा लगाना होगा या सूखी सब्जी बनानी है जिस हिसाब से आपको बनाना है उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैं अपनी क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स मैं कुछ देरी तक इसको कुक करूंगी। अच्छे से जब कुक हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ा कवर कर दूंगी। फ्रेंड्स कवर कर दूंगी तो जल्दी कुक हो जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स मैं इससे कवर कर रही हूं ताकि जल्दी कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं इसको चेक करने जा रही हूं कि मेरी सब्जी पकी है कि नहीं, अच्छे से भी देखूं कि अच्छे से कुक हो गई है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए सब्जी मेरी कितनी लजीज और कितना अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा मैं एक इसमें से सब्जी ले करके चेक कर रही हूँ कि फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्का सा इसमें कसर है भी पकने में, तो थोड़ा 2 मिनट इसको और छोड़ दें इस पे तो हमारा सब्जी अच्छे से तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स तो इसको मैं कवर कर रही हूँ। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मैं 2 मिनट बाद अपने सब्जी को चेक करने जा रही हूँ कि पकी है कि नहीं अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी सब्जी कैसी लग रही है।
तो देखें फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा अच्छे से कुक हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करूंगी लास्ट में जो नींबू का रस है, जो मतलब देसी सूरन है ना, तो इसको खाने में थोड़ा नटई में खुजली टाइप का होता है, तो वो नहीं होगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसको लास्ट में ऐड करूंगी और फ्रेंड्स मैं गार्निश करूंगी अपने, मैं इसको गार्निश करने जा रही हूँ धनिया की पत्ती से। तो फ्रेंड्स मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि मेरी सब्जी कैसी लग रही है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दें फ्रेंड्स और आपको सर्व करके हम दिखाएंगे कि आप मेरी सब्जी कैसी लगी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मेरी सब्जी कैसी लगी आपको। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई और मैं आपको सर्व कर दी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी सब्जी कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मेरे जो वीडियो है ना उसको फुल वॉच टाइम देखिएगा, उसको थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा मेरा वीडियो जो है। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब करने में फ्रेंड्स पैसा नहीं लगता है, कोई फीस नहीं लगती है, थोड़ा सा अपने कोमल हाथों से उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि मेरी सब्जी कैसी लगी। तो थैंक यू, टेक केयर।